हे गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेंडिंग टूटल। गाइस, अभी जो प्रीव्यू में आपने वीडियो देखा, तो दोस्तों इसका रिक्वेस्ट आया था, बट थोड़ी सी उससे ये अलग होगी क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आया था एक सप्ताह पहले ही और मैं अभी उस वीडियो को ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे मिलना नहीं। शायद लिंक था या वीडियो था, पता नहीं। टेलीग्राम पर भी ढूंढ रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर भी ढूंढ रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी। अब कहाँ पे भेजा गया था मुझे याद नहीं है, बट मैंने कोशिश किया उससे रिलेटेड बनाने का, तो थोड़ा सा अलग होगा। आप लोग देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। और इस टाइप की वीडियो जो रील्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, मैं तो ऐसे इस टाइम में दूसरा वीडियो बनाने वाला था, बट एक सप्ताह के करीब में होने वाला था उस रिक्वेस्ट का, तो मैंने सोचा पहले उसी का वीडियो बना लेता हूँ। तो गाइस, मैं इसका प्रीसेट एक्सएमएल आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। एक्सएमएल से बेटर होगा, आप लोग प्रीसेट यूज़ कीजिएगा, सारे मटेरियल एक ही बार में मिल जाएंगे। अगर आप एक्सएमएल यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें रिप्लेस करनी होंगी, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अभी के लिए मैं प्रीसेट ओपन करता हूँ। तो एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर प्रीसेट आप ओपन करते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, आपको सिंपली क्या करना होगा, ये वाला जो फाइल है इसका मैं एक तो डुप्लीकेट कर लेता हूँ। गाइस, अब एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, एलाइट मोशन का फीचर चेंज हो चुका है और इसमें थोड़ा अलग टाइप का अब दिखता है। तो आपको क्या करना है, इस वाले फाइल को ओपन कर लेना है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया। अभी कुछ इस तरह से इंटरफेस है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ग्रुप ऑन मास्क एंड मास्क का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। एडिट ग्रुप में जाना है, यहाँ पर बाई डिफॉल्ट एक फोटो आपको लगा हुआ दिखेगा, तो आपको क्या इस फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है। देन प्लस के आइकन में क्लिक करना, मीडियम जाना है, जो भी फोटो पे एडिटिंग करना चाहते हो फोटो सेलेक्ट कीजिएगा। फोटो को इस तरह से सिलेक्ट करके नीचे कर लीजिए तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपको लास्ट में चले जाना है और इसे सिलेक्ट करके लास्ट तक कर लेना है, तो अब देखते हो कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप चाहे तो इसका ड्यूरेशन हल्का सा कम कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। फोटो पर कुछ इफेक्ट वगैरह देना चाहे तो दे दीजिएगा। अभी के लिए यहाँ से बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद कुछ इस तरह से आ गया, देख सकते हैं। तो अभी नीचे वाला फोटो जो है कुछ इस तरह से आ गया। अब इसमें इसे सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाइएगा और स्मूथ भी वाला लगा हुआ है इसमें, तो आपको क्या करना है, इसमें एक इफेक्ट देना है। तो इफेक्ट में जाने के बाद ऐड फिल्टर पर क्लिक कीजिएगा, ब्लर में जाइएगा। यहाँ पे गाइस गेशन ब्लर को सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, देन इसे ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद इस पर आपको इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कितना ब्लर आप रखना चाहते हैं, तो इस तरह से रख लीजिए। तो मैं 145 रहने देता हूँ, देन यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब ऊपर वाला जो फोटो है इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, करने का मतलब ग्रुप जो है इसे सेलेक्ट करके एडिट ग्रुप में जाइएगा। यहाँ पर भी आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो इसे सेलेक्ट कीजिए, नीचे वाले फोटो को डिलीट कर दीजिएगा। स्टार्टिंग में अगर प्लस पे जाइएगा, मीडियम जाइएगा और वो वाली फोटो सेलेक्ट कर लीजिए जो अभी आपने सेलेक्ट किया था, या फिर दूसरा कोई फोटो लगाना चाहे तो उसे भी लगा सकते हैं। तो जो भी आप लेना चाहे उस फोटो को ले लीजिएगा, देन यहाँ से बैक कर लीजिए। तो बैक करने के बाद आप कुछ इस तरह का इंटरफेस है, जैसे आप प्ले करके देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो नेम या इमोजी है करप्ट हो रहा है, बट वो नहीं होगा, वो सही हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ऊपर वाला जो ये वाला ग्रुप है इसे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ बॉर्डर एंड शैडो में जाइएगा। आप चाहे तो यहाँ पे शैडो इनेबल करके इसे और भी बढ़ा सकते हैं, शैडो इनेबल है बट आप बढ़ा घटा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा जितना भी रखना चाहे। तो इस तरह से शैडो आएगा, जैसे आप देख सकते हैं। अगर हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं यहाँ से, शैडो का कलर अगर चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, कोई भी कलर रखना चाहे आप रख लीजिएगा। तो इस तरह से इंटरफेस है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप जो भी कलर रखना चाहे उसे रख सकते हैं, मैं ये रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब बैक आने के बाद आपको गाइस क्या करना है, ये जो ग्रुप वन देख रहे हैं ऊपर में, इसे सेलेक्ट कीजिए, एडिट ग्रुप में जाइएगा। यहाँ पे ऊपर में इमोजी लगा हुआ है, नीचे में यूजर नेम लगा हुआ है, तो इमोजी को आप रहने दे सकते हैं, अगर चेंज करना चाहे तो चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है इसे क्लियर करके, मतलब यूजर आईडी जो मेरा लिखा हुआ है उसे चेंज करके आप अपना यूजर आईडी डाल लीजिएगा, जैसा भी जो भी आपका हो उसे डाल दीजिएगा। तो मेरा ये यूजर आईडी है, और गाइस इस पर फुल प्रीव्यू वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर विजिट कीजिए। और नीचे जो इमोजी है इसे भी सेलेक्ट कीजिए, एडिट में जाइएगा। यहाँ पे iOS 40 वाला जो फॉन्ट है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपके पास iOS वाला फॉन्ट हो तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसका चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। गाइस यहाँ पे कोई सॉन्ग नहीं लगा हुआ है, बट आप 15 सेकंड तक का सॉन्ग लगा सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो आपको प्लस का आइकन क्लिक करना, ऑडियो में जाना होगा, जो भी सॉन्ग लगाना चाहते हो उसे सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट करने का जितना टाइम आप रखना चाहते हो उतना टाइम आ जाइएगा। ये वाली ऑप्शन टैप कीजिएगा, सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, तो सारे फोटो मटेरियल जो भी है सब आगे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमारा स्टेटस बनकर तैयार हो चुका है, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे सॉन्ग मत यूज़ कीजिएगा, आप यहाँ से वीडियो एक्सपोर्ट कर लीजिए जितना टाइम का बनाना चाहे उतना टाइम का, और रील्स पे जो सॉन्ग ट्रेंड कर रहा हो उस सॉन्ग के साथ में बनाइएगा। और गाइस एक टॉपिक को लेकर चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाइए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैन फॉलोइंग और रीच मिलेगी आईडी को, क्योंकि जो लिंक मुझे भेजा गया था मैंने उस पर देखा था, दूसरा कोई टॉपिक पे वीडियो था ही नहीं, सेम टॉपिक पे वीडियो था, सॉन्ग अलग, मटेरियल अलग और सेम इफेक्ट के साथ में, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर एरो पे क्लिक कीजिएगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लीजिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, मतलब ये सेव हो रहा है आपके गैलरी में। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।